वेलकम यू ऑल माय डियर लर्नर्स, मैं सुरेंद्र बुक्कल आज आपके सामने 11th क्लास का टॉपिक जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, उस टॉपिक को हम डिस्कस करें उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के क्लियर कर देता हूँ। अभी तक हमने जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन स्टडी किया है उसमें तीन इक्वेशन हमने ड्राइव की थी जिसको आप अच्छे से जानते हो, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। दीज आर दी थ्री इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए, हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे उनके लिए इन इक्वेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है और इनको हम कैसे अलग अलग मेथड से लिखेंगे। अलग अलग मेथड से हमारा मतलब है, अभी जो मैंने आपको ये इक्वेशन बताया है, दीज आर द इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल और एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो वहां पे हमने कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स जो है डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन हम अब बात करने वाले हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो वहां पे हम कोऑर्डिनेट्स का कंसेप्ट जरूर डिस्कस करेंगे, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। प्लेन की बात है कि यहाँ पे तो मैं अगर इस इक्वेशन को अलोंग एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करूं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? अलोंग एक्स एक्सिस इट कैन बी रिटन एज वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। क्लियरली मैं आपको ये बता दूं, वी एक्स रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड यू एक्स इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ए एक्स इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वेयर टी इसका अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस से हमारा कोई मतलब नहीं होता, टाइम इंडिपेंडेंट होता है कोऑर्डिनेट्स के। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, इसी तरीके से मैं आपको बता सकता हूं कि अलोंग वाई एक्सिस इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। अलोंग वाई एक्सिस वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, वेयर वी वाई रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस, यू वाई इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। अब हमारा जो वेलोसिटी है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इन फॉर्म ऑफ वेक्टर यू कैन बी रिटन एज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये आपको पता है, पहले भी मैंने बताया आई और जे यहाँ पे मैंने जो यूज किए हैं, आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस व्हेयरएज जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज वी एक्स एंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस दैट इज वी वाई एंड द मैग्नीट्यूड वी का जो मैग्नीट्यूड है इट कैन बी रिटन एज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की। एस यहां डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इस इक्वेशन को अलोंग एक्स एक्सिस बात करूं, अलोंग एक्स एक्सिस, सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस एक्स मूव इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखिए यहां x नोट और x क्या रिप्रेजेंट करते हैं। x नोट व्हेन t इज इक्वल्स टू जीरो था तो जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस हुआ था वो x नोट था। व्हेन t इज इक्वल्स टू समथिंग t है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन थी वो x थी, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज x माइनस x नोट विच इज अगेन इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पे यू एक्स आपको अगेन बता देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ अलोंग वाई एक्सिस इट कैन बी रिटन एज अलोंग वाई एक्सिस इट कैन बी रिटन एज वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर? अब अगेन वाई क्या है, पोजिशन, फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस एट टी इज इक्वल टू टी टाइम, और वाई नॉट क्या है, एट टी इज इक्वल टू जीरो अलोंग वाई एक्सिस पोजिशन जो है वो भी वाई नॉट से रिप्रेजेंट है। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस एंड ए वाई इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलर वे में अगर मैं ए
एक्सेलरेशन वेक्टर को शो करूं तो एक्सेलरेशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स आई सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सिमिलर वे में हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज थर्ड इक्वेशन दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। सो अलोंग एक्स एक्सिस इट कैन बी रिजोल्व एज वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स एंड एक्स माइनस एक्स मोर एंड अलोंग वाई एक्सिस it can be written as vy square minus uy square is equals to 2ay y minus y naught। ये स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी तरीके की, बाकी नोट कीजिए। और अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है अभी तक जो भी आपको यहां तक मैंने टीच किया है वो क्लियर हुआ होगा। तो अगर ये क्लियर है आपको तो मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पे ले चलता हूं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है इसके बारे में समझते हैं वन बाय वन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहें, आपने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन स्टडी किया है, अलोंग वाई एक्सिस हो सकता है अलोंग एक्स एक्सिस हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और किसको कहें प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मोशन अगर करता है तो हम उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर होगा। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ। किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से ड्रॉप करता हूं, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठा करके मैं थ्रो करता हूं हॉरिजॉन्टली वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। किसी ऑब्जेक्ट को उठा करके मैं सर्टेन एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं, दिस इज आल्सो ए प्रोजेक्टाइल मोशन। सो सबसे पहले तो हम इसी की डेफिनेशन पे जाते हैं, दैट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उसको हम क्या कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये स्टूडेंट आपको यही बता दूं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर रहे हैं उसको प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। या ये कहें द ऑब्जेक्ट विच इज डूइंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए हम यहां पे कुछ कंसिडरेशन करते हैं। वो क्या है, सबसे पहले तो जो कंसिडरेशन हम करते हैं जो ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हम यहां कंसिडर कर रहे हैं उसको क्या लेके चलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं उस केस में जो एयर का फ्रिक्शन है एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम जीरो लेके चल रहे हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैं जितने भी यहाँ डेरिवेशन करूंगा उसमें हम एयर के फ्रिक्शन को या एयर के रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जैसे कि हम उस ऑब्जेक्ट को वैक्यूम के अंदर थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप्स की। सो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, डियर स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल मोशन की दो टाइप है। फर्स्ट वन जिसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड सेकेंड वन दिस इज नोन एज एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन।
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किसको कहें और एंगुलर प्रोजेक्शन किसको कहें, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से हमारा मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को मैं किसी सर्टेन हाइट से पैरेलल टू ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, सपोज करो ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। अगर मैं ग्राउंड लेवल के पैरेलल किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन वेलोसिटी के साथ थ्रो करता हूं, ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसी मोशन करेगा, इस तरीके की मोशन करेगा। इस तरह के प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हमने इसको पैरेलल टू ग्राउंड थ्रो करने की कोशिश की, बट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये कुछ इस तरीके की मोशन करता है। इसका पाथ जो है, यहाँ पे जो उसने पाथ फॉलो किया है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूं, दी पाथ फॉलोड बाय दी प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेजेक्ट्री। डियर स्टूडेंट, ये पैराबोलिक है, आपको साफ दिखाई दे रहा है। एंगुलर प्रोजेक्शन की बात करूं तो एंगुलर प्रोजेक्शन में कुछ ऐसा होगा, हम सपोज करो ये ग्राउंड लेवल, अगेन इसको मैं ग्राउंड लेवल लेके चल रहा हूं, ये ग्राउंड लेवल, ये एक्स एक्सिस कह दीजिए, ये वाई एक्सिस। तो आप ग्राउंड पे ही किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पे थ्रो करोगे विद सर्टेन वेलोसिटी यू, मेकिंग एंगल थीटा विद द ग्राउंड, तो इसकी मोशन कुछ ऐसे होगी। तो आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है विद सर्टेन वेलोसिटी यू, मेकिंग एंगल थीटा विद द ग्राउंड, और इस तरह का जो आपको पाथ अभी देखने को मिल रहा है, ग्राउंड से थ्रो किया गया, ये सर्टेन हाइट से थ्रो किया गया था, तो ये हमारा जो प्रोजेक्शन होगा इसको हम एंगुलर प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि हमने किसी सर्टेन एंगल पे थ्रो किया है ऑब्जेक्ट को, यहां एंगल हमने जीरो ग्राउंड के साथ में बनाया था। तो ये दोनों पॉइंट, आई होप आपको कंसेप्ट जो है इसका क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करवाता हूं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में वेरियस डेरिवेशन हम करके देखते हैं। तो ये क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर मैं अगर आप लोगों को समझाऊं तो किस तरीके से करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या है और उसको कैसे करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, अभी मैं यहां हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन अगर आप डिफाइन भी करो तो ये कह सकते हो द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द ग्राउंड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये कुछ बना सकते हो आप अपने लेवल पे, जो आपको कंसेप्ट क्लियर होता है, किसी हर एक पॉइंट की डेफिनेशन पे जाने की जरूरत आपको नहीं है। यहां जो अभी आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर किया वो आपको, आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा, तो फिगर मैं बना देता हूं, उसमें अलग अलग पॉइंट्स जो है क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए, सबसे पहले इसके लिए मैंने जैसे फिगर बनवाया था वैसे ही, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां सर्टेन हाइट एच कंसीडर कर लीजिए, जहां से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू ग्राउंड थ्रो करना है विद यू वेलोसिटी, ठीक है, यू एक्स इज इक्वल टू यू, ये बताऊंगा मैं कैसे किया मैंने, और ये ऑब्जेक्ट सपोज करो ऐसी मोशन करेगा। यहां जो ऑब्जेक्ट यहां से मैंने थ्रो किया अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यहां फॉल कर रहा है, ये जो रेंज है अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये आर क्या है, यहां आर हमारा है हॉरिजॉन्टल रेंज, आर क्या हमारा यहां हॉरिजॉन्टल रेंज है, और एट एनी पॉइंट लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो इस जगह पे इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टेंजेंट एट दैट पॉइंट, सिंपली ये होगा vx, और ये रिप्रेजेंट करेगा vy, और हमारा जो वेलोसिटी होगा वो ये होगा, मेकिंग एंगल सपोज करो बीटा विद दी x एक्सिस, तो ये p पॉइंट के ऊपर है, इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x एंड y है इस p पॉइंट के, ठीक है। इस जगह से इसकी भी कोई पोजीशन होगी, सपोज करो और एक ऑब्जेक्ट को मैंने t टाइम में थ्रो किया तो t टाइम के अंदर वो किस जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है, ये सब चीज की पोजीशन हमें फाइंड आउट करना जरूरी है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है, v इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, ux आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो यहां पे आपको जो चीज दिमाग में रखना है वो आपके माइंड में सेट कर लेना, आपका डेरिवेशन कभी गलत नहीं होगा। वो क्या है, एट t इज इक्वल टू जीरो एक्स नोट
0 and y naught is also 0. ठीक है, और अगर मैं इस केस के अंदर बात करूं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर मैं बात करूं, तो यू एक्स हमेशा u ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, और यू वाई हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को अलोंग वाई एक्सिस को थ्रो किया ही नहीं है, तो यू वाई क्या होगा, जीरो होगा। और जब भी हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, दैट मे बी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एंगुलर प्रोजेक्शन, आपका ए एक्स हर हाल में जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो है जीरो होगा, क्योंकि आपको यह पता है कि एक्स एक्सिस की अलोंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग वाई एक्सिस है, अपवर्ड हो सकती है, डाउनवर्ड हो सकती है, तो यहां पे ये चीज। और ए वाई इज इक्वल टू हमारा जो है प्लस माइनस जी हो सकता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो सकता है। आर यहां हॉरिजॉन्टल रेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जब यहां से चल के ये यहां तक पहुंचेगा टोटल टाइम कितना लिया, उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इसमें पॉइंट। पहला पॉइंट है हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है, वैसे तो हमें पता है ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक, बट हम पैराबोलिक की इक्वेशन यहां से फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि वो पैराबोलिक पाथ है। सबसे पहले हम इस चीज को समझने के लिए क्या करें, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और मोशन अलोंग एक्स एक्सिस जब आप लोगे तो एक्स माइनस एक्स नोट, याद कीजिए इक्वेशन अभी मैंने बताई थी, इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब जो पॉइंट मैंने यहां बताए हैं वो सारे पॉइंट यहां यूज करेंगे, तो देखिए एक्स नोट जीरो होगा, यू एक्स यू है, ए एक्स जीरो, ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं, एक्स नोट क्या हमारा जीरो है, यू एक्स यू है, ए एक्स जीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यू इंटू टी, ये एक्स आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर वन भी कह सकते हो। और यहां से देखिए अगर मैं टी की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो आएगी एक्स डिवाइडेड बाय यू। इसी तरीके से मोशन अलोंग वाई एक्सिस ले लीजिए, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस जब लेंगे तो वो हो जाएगी इक्वेशन वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट अगेन वही कंसेप्ट यूज कीजिए, यहां पे वाई नॉट क्या होगा जीरो, यू वाई इज ऑल्सो जीरो, ए वाई अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू जी, ठीक है। अब इस तरीके से हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, यानी y इज इक्वल टू यू वाई टी, ये जीरो हो गया, हाफ ए वाई जी टी स्क्वायर, ये y की वैल्यू होगी, ये इक्वेशन नंबर टू भी कह सकते हो। अब इक्वेशन वन और टू में आपको x और y कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो पोजीशन आपसे पूछता है, तो मैं अलग से बता देता हूं, पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टी टाइम, तो पोजीशन हम पी एक्स वाई लिखते हैं, तो यहां पे क्या होगा, पी एक्स की वैल्यू यहां पे अभी आपने फाइंड आउट की है यू इंटू टी है, और वाई की वैल्यू है हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये पोजीशन हो जाएगी। यू आपको पता है इनिशियल वैल्यू, या कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो पता है, टाइम आपको पता हो किस टाइम पे आपसे पूछ रहा है, जी की वैल्यू आपको पता होते तो आपको उस प्रोजेक्टाइल की पोजीशन पता चल जाएगी एट एनी टाइम टी। तो डियर स्टूडेंट अभी हम क्या करेंगे, यहां से टी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, टी की वैल्यू जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। और अगर मैं चाहूं तो इसको इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर एक तरफ एक्स रख लेते हैं, बाकी टर्म उधर उठा के ले जाइए, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए टू यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी इंटू वाई ऑलरेडी है वहां, ये बन जाएगा। देखिए u इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है, g फिक्स है, 2 अगेन कांस्टेंट वैल्यू है, सो x स्क्वायर कैन बी रिटन एज ky, ठीक है, तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी पैराबोला की इक्वेशन होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको लिख सकते हो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। हेंस
अब ये पाथ कैसा होगा, हेंस इसके बाद ये पॉइंट यहां लिख देता हूं, हेंस टी पाथ इज पैराबोलिक। पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, पाथ कैसा है, पैराबोलिक है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। आपको अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है, हो सकता है मेडिकल स्टूडेंट को और भी दिक्कत आए, नॉन मेडिकल स्टूडेंट को मैथ में मिल जाएगी इक्वेशन, लेकिन फिर भी जो हमारे फिजिक्स के टूल है, मैथमेटिकल टूल, उनमें आप वहां देखोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी और कैसे उसका ग्राफ बनता है, मैं अभी उस पर नहीं जाना चाह रहा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये तो था पाथ ऑफ प्रोजेक्टर। इससे आगे हम अभी समझते हैं कि क्या चीज मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, ये पॉइंट भी हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो डियर स्टूडेंट, हम अभी बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करें और होता क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको बताया, जैसे कि ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो किया और वो ग्राउंड को टच करने में टोटल उसने अपनी जर्नी के दौरान टाइम कितना स्पेंड किया, उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सो इसको ये कह सकते हैं, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम ले रहा है, या ये कह सकते हैं टोटल टाइम स्पेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इन स्पेस, स्पेस के अंदर उसने जो टाइम स्पेंड किया उसको भी हम कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसको कहां से निकालें, कैसे कैलकुलेट करें इसके लिए, तो इसको समझने से पहले हम जो है किस कंसेप्ट को यूज करें। हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, अगेन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। यहां आपको स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता है, नहीं तो आपसे इक्वेशन नहीं निकलेगी। मैं यहां पे मोशन अलोंग वाई एक्सिस लेके चलूंगा, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए ये वाली इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूं। तो इस इक्वेशन के लिए आपको पता है वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये हम यूज कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखिए अगेन आपको पॉइंट क्लियर है, वाई नॉट क्या है, वाई नॉट जीरो है, यू वाई इज ऑल्सो जीरो एंड ए वाई ये हमारा जी है। स्मॉल टी को हम यहां क्या लेके चलेंगे, कैपिटल टी। टोटल टाइम यहां से यहां तक कंप्लीट होने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, वो है कैपिटल टी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अभी आपको ये वैल्यू इसमें पुट करनी है और आपका डेरिवेशन आ जाएगा यहां से। y किसके इक्वल है, y की वैल्यू भी रख लीजिए भाई। जब हम यहां से यहां तक कंप्लीट कर लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उस दौरान मोशन अलोंग y एक्सिस क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस क्या है, तो वो है y इज इक्वल टू h, जो हाइट थी इसकी, ठीक है, वही होगी। तो आप सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाई एच माइनस जीरो इज इक्वल टू यू वाई जीरो हाफ जी और कैपिटल टी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एच डिवाइड बाय जी, और सिंपली टी कैन बी रिटन एज अंडर रूट टू एच अपॉन जी। सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। आप यहां नोटिस कर रहे हो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे, जी इज ए कॉन्स्टेंट फैक्टर, सो एच पे डिपेंड करता है। तो अपने से क्वेश्चन किया जाता है, जैसे मान लिया कि एक कॉइन है, ठीक है, एक 5 रुपए का कॉइन है हमारे पास में, 5 रुपीज कॉइन, और एक कोई सपोज करो स्टोन है हमारे पास, कह सकते हैं पेबल हो सकता है, अलग अलग वेट है उनका, अलग अलग मास है, और मैं सेम हाइट से अगर उसको ड्रॉप करता हूं तो कौन सा ग्राउंड पे पहले पहुंचेगा। तो इसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है सेम होगा उनका, सेम टाइम पे वो रीच करेंगे, ठीक है। अगर एयर फ्रिक्शन को यहां नेगलेक्ट किया है हमने, उस कंसेप्ट को कई बार हमसे मजाक में पूछ भी लेते हैं कि 1 किलो रुई है और 1 किलो का पत्थर है, दोनों को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो कौन सा पहले पहुंचेगा,
वेट दोनों का इक्वल है, अगर हम एयर के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें तो दोनों के दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन है, एयर का फ्रिक्शन हमें पता है कि आइडियली हम उसको लेते तो है कि नहीं है, लेकिन एयर का फ्रिक्शन हर जगह मौजूद है, तो एक किलो की रुई अगर है, एक किलो की कॉटन अगर है और एक किलो का हमारे पास में कोई स्टोन है, तो हमें पता है कि जो स्पेस है वो ज्यादा लेगी कॉटन, और उसके ऊपर एयर का फ्रिक्शन जो है ज्यादा होगा, एयर के ऊपर थ्रस्ट जो इसका लगेगा, जिसकी वजह से पत्थर जो है पहले पहुंचेगा, ठीक है। बाकी ये चीज है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज को यहां कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या चीज है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ग्राउंड लेवल में, अगर देख रहे हैं हम ग्राउंड लेवल पे बात करें, हम लोग एक्स एक्सिस कह सकते हैं, ठीक है, या कंप्लीट इसकी फ्लाइट कंप्लीट होने के बाद में, या टाइम पूरा होने के बाद, या जितना टाइम उसको स्पेस में निकालना था निकाल लिया, उसके बाद में अलोंग एक्स एक्सिस उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आप जरा दिमाग यहां यूज कीजिए कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज डी इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, वी इंटू टी, ये वी कौन सा आएगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू वाई, और ये यू वाई हमेशा वी यू वाई नहीं सॉरी यू है, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू वी एक्स, ये एक ही है, यानी किसी भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, वो यू के इक्वल होगी, हम अभी इसको निकाल के भी देखेंगे। तो अभी आप हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो आर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं यू एक्स इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी क्यों लिया, क्योंकि टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, सो यू एक्स हमारा यू है और कैपिटल टी, ये आर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगर टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो दैट विल बी इक्वल्स टू यू इनटू टी, टी कितना आया था अभी, टू एच अपॉन जी। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, छोटा सा पॉइंट था ये, याद रखिए ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हमें देखनी है। जैसे ये पी पॉइंट के ऊपर था, इस पी पॉइंट के ऊपर हमने सपोज किया टी टाइम के अंदर ये यहां पहुंच गया, तो इसकी इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है ये हमें देखना है। तो इस वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करें, वेरी इजी। इसके लिए आप क्या करो, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस निकालिए, और उसके बाद आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, वी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहां पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज वी एक्स, फॉर्मूला ये रहेगा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब देखिए इसमें आपको वी एक्स निकालना है, ए एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, और यू एक्स किसके इक्वल है, यू के, सो वी एक्स इज ऑल्सो यू, और वो मैंने पहले लिख दिया था यू एक्स वी एक्स इज इक्वल टू यू, ठीक है। और इसी तरीके से वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस दैट कैन बी रिटन एज वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अगेन अब यहां पे आपको क्या पता है कि यू वाई हमारा इक्वल टू जीरो होता है, ए वाई कितना है, ए वाई को हम जी लेके चल रहे हैं यहां पे, सो वी वाई इज इक्वल टू जी इंटू टी आ जाएगा। अब आपको वी एक्स पता चल गया, वी वाई पता चल गया, सो इजीली यू कैन से दैट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वी को हम ऐसे लिख सकते हैं यू यूनिट वेक्टर आई प्लस जी टी जे कैप, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेलोसिटी का उस पॉइंट के ऊपर या उस टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, दैट कैन बी रिटन एज अंडर रूट
वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और वो अभी आप लिख सकते हो बहुत बहुत आसान से, वी एक्स स्क्वायर यानी यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर दैट इज जी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट यू डायरेक्ट लिखी जा सकती है, दैट इज यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये भी मैटर करता है भाई, वो हमारी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। यहां बता देता हूं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी एट टी टाइम। अब देखिए यहां से आप परपेंडिकुलर डाल सकते हो इसके, तो ये हमारा क्या है वी वाई और ये क्या है वी एक्स। सो टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, ये लिख सकते हो। यहां से वी वाई आपको पता है कितना हमने कैलकुलेट किया था, जी इंटू टी, और वी एक्स क्या था हमारा यू। सो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू जी टी बाई यू, और बीटा कैन बी रिटन एज टेंजेंट इनवर्स जी टी डिवाइड बाई यू। In this way, you can find out the direction of the projectile at any instant. So, dear student, I hope आपको ये सारा concept अच्छे से clear हुआ होगा। ये derivations जो मैंने आपको करवाए सिर्फ projectile motion के करवाए हैं। Next lecture में आप लोगों के लिए लेके आएंगे angular projection और उसके various derivations और कैसे हम उनको solve करते हैं। Dear student, इन पे जो numericals आते हैं बहुत ही easy हैं। सिर्फ formula अगर आपको सही time पे use करना आता है, formula आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ लेक्चर देख करके छोड़ दोगे, नोट्स प्रिपेयर कीजिए प्रॉपरली और इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए, तब आपको ये और भी आसान लगेगा। तो हमारा काइनेमैटिक्स में ये और इसके बाद जो है एंगुलर प्रोजेक्शन के बाद एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा जिसको हम सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं, उसके बाद में हमारा काइनेमैटिक्स हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, पूरी एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगता है उसको जरूर से जरूर कमेंट में लिखिए, और एटलीस्ट 5 or 10 स्टूडेंट्स को या 10 पर्संस को अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, तभी मैं आप लोगों के लिए और बेटर से बेटर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझोगे, मानोगे, और जो मैं काम करवा रहा हूँ लॉकडाउन के दौरान उसको भी प्रॉपरली अच्छे तरीके से करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।